हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द कॉक फाइट बाय अमीन कामिल टेक्स्ट का पार्ट फिफ्थ। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट फोर्थ में हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 126 का जो है टेक्स्ट, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर लास्ट लेक्चर आपने चार वीडियोज नहीं देखी हैं, चार लेक्चर नहीं देखी, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको सारे जो चार पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। ये पार्ट फिफ्थ है इस टेक्स्ट का। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट डिस्कस करेंगे पार्ट फिफ्थ, इसके बाद भी और पार्ट्स आएंगे। सब पार्ट्स आप देखना, जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शामाल वॉज क्रश्ड and stayed indoors while the hens frisked about the compound with the cock. शामाल जो है उस जो सुबह जब हुई वो बाहर नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बाहर निकलूंगी तो जानी जो है वो तंज करेगी, वो टांट करेगी। क्यों, क्योंकि उस शामाल के मुर्गे ने रात को आवाज़ की थी या क्रोविंग किया था, तो वो सोच रही है कि जानी ने सुन लिया होगा। अब जानी जो है टांट मारेगी कि तेरा मुर्गा जो है रात को क्रोविंग करता है और ये अच्छा नहीं है घर के लिए। शामाल जो है इस टाइम अंदर ही है, इंडोर मतलब अंदर ही है, और मगर जो मुर्गियां हैं, मुर्गे जो हैं बाहर कंपाउंड में, बाहर जो आंगन में क्या कर रहे हैं, इधर उधर एक्टिवली, फ्रिक्स मतलब एक्टिवली, एक्टिव में हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मुर्गा मुर्गा भी और बाकी मुर्गियां भी, ठीक है। शी फेल्ट, FELT फेल्ट है ये, शी फेल्ट हर हार्ट टर्न अपसाइड डाउन विद अवर्शन एट द साइट ऑफ द कॉक। तो उसको जो फील हुआ कि उसका जो दिल है वो मतलब क्या हो गया है, शॉक हो गया है। असली में उसको जो शॉक हो गया है नफरत से, एवर्शन क्या होता है नफरत, वो जो है उसको क्या हो गया है, नफरत हो गई है उसको किससे, कॉक से, उस मुर्गे से अब नफरत हो गई है, जिस मुर्गे को वो पहले दिन प्यार करती थी, जिस मुर्गे को खुश आमदीद करती थी, वेलकम करती थी, अब वो क्या कर रही है, नफरत कर रही है उसी मुर्गे से। देखिए ह्यूमन नेचर क्या होता है, ठीक है, जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं ये नहीं है कि हमेशा हम उसको प्यार ही करते रहें, जब भी उसकी थोड़ी सी खामी हमें दिखे, थोड़ी सी गलत चीज़ उसके बारे में दिखे, हम फौरन उसको प्यार मतलब नफरत करने लगते हैं, प्यार जो है टर्न हो जाता है नफरत में, और कभी कभी नफरत भी प्यार में टर्न हो जाता है, इसका कुछ नहीं कहना होता है, ठीक है। तब भी किसी कोई कुछ कुछ भी सोचे, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो कभी भी आपसे नफरत करना स्टार्ट करेंगे, जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो कभी भी आपके साथ प्यार करना स्टार्ट करेंगे, ये दुनिया ही ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। एंड द कॉक अनअवेयर ऑफ ऑल दिस स्ट्रेच हिज विंग्स एंड डांस राउंड द हैंड्स वन बाय वन बट द हैंड्स फ्लेड अवे। तो कॉक जो है उसको कोई पता नहीं है कि, उसको तो ये पता नहीं है कि शामाल को गुस्सा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, शामाल को बड़ा गुस्सा है मेरे पे, उसको क्या पता है, वो जानवर है, ठीक है, वो बर्ड है, तो उसको क्या पता है। अब वो जो है अपने पर को स्ट्रेच कर रहा है, विंग्स को स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच मतलब फैला रहा है, अपनी परों को फैलाता है ना मुर्गा, ठीक है, वो फैला रहा है, डांस कर रहा है, मुर्गियों के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। Then they looked towards the door of the kitchen, wondering why is she nowhere to be seen today? Wish she would throw us some grains to pick at. They ran towards the kitchen. The cock read their thoughts and followed them. तो बाकी मुर्गियाँ जो है वो मतलब हैरान हो गई हैं, अभी तक जो है शामाल बाहर क्यों नहीं निकली है, हमें जो है दाना क्यों नहीं डाला है, हमें ग्रेन्स क्यों नहीं डाला है खाने के लिए, हम भूखे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं मुर्गियाँ, किचन की तरफ जा रही है ना, जब भी मतलब मुर्गियों को भूख लगती है वो किचन की तरफ जाती हैं, जहाँ से उनको फल मिलता है वो उसकी तरफ जा रही हैं, ठीक है, और मुर्गा भी उनको फॉलो कर रहा है, मुर्गा भी मुर्गियों के पीछे पीछे जा रहा है, मुर्गा बेचारा नया था, उसको क्या पता कहाँ से फल मिलता है। शामाल्स ग्लांस चांस टू फॉल ऑन हिज लेग्स, दे सीम टू हर फ्रॉम द क्लॉज टू द टॉप द टू अगलिएस्ट कॉक लेग्स शी हैड एवर सीन। तो शामाल का उस पर देखना जो है, जैसे ही उसने उस मुर्गे को देखा अंदर से, तो उसको बहुत ही गंदी उसकी टांगें लगी, क्योंकि उसको नफरत थी उससे। जब भी हम किसी बंदे से या किसी भी चीज़ से नफरत करने लगते हैं, उसकी हर एक चीज़ बहुत गंदी लगती है,
ठीक है, कभी किसी इंसान से नफरत जब करने लगते हैं आप, उसका उसकी शक्ल भी गंदी लगती है, उसका बोलना भी गंदा लगता है, उसका चलना भी, हर एक चीज़ गंदी लगती है। और जब भी हम किसी इंसान से प्यार करने लगते हैं, उसकी हर एक अदा जो है अच्छी लगती है। ये नेचर ऑफ लॉ है, ठीक है, ये मतलब ये नेचर ही ऐसा है इंसान का। हर रिप्यूगनेंस डीपन, रिप्यूगनेंस क्या होता है, नफरत, नफरत जो है उसको बहुत ज्यादा हो गई किसके साथ, मुर्गी के साथ। बट शी डेयर नॉट शू द हैंड्स अवे बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट जानी द सकीनी टू शो हर सेल्फ एट द विंडो एट हर बर्ड्स। तो उसने शू नहीं किया, भगाना मतलब उनको, मुर्गियों को भगाया नहीं, उस मुर्गी को भगाया नहीं वहां से। नफरत तो करती थी, वो नहीं चाहती थी कि जानी जो है ये सुन ले और उसको पता चल जाए कि मैं इस मुर्गे से नफरत करने लगी हूं। शी क्विकली टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ राइस एंड थ्रू इट टू द बर्ड्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसने हाथ में क्या उठाया, राइस उठाया और बाहर फेंका, चुप करके से बाहर फेंका मुर्गियों के। शी वुड नॉट हैव थ्रोन एनी टू द कॉक बट वट कुड शी डू टू द हैंड, द पोर थिंग्स कुड नॉट बी स्टार्ड फॉर द होल डे। वो नहीं चाहती थी कि मुर्गे को मैं दाना डालूं, मुर्गे को मैं खाना डालूं, मगर वो क्या करती बेचारी, मुर्गियों को तो वो भूखा नहीं छोड़ पाती, मुर्गियों से उसको प्यार था तो मुर्गियों को फाके नहीं रखना चाहती थी। उसने जो उसको उन मुर्गियों को दाना फेंका, उससे जो है मुर्गे को मिल गया और मुर्गा भी वहाँ पे खाने लगा। स्टार होता है भुखमरी, भूखा, ठीक है, भूखे से नहीं मरना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मुर्गियाँ भी मुर्गे की वजह से भूखे मर जाएं। वो आपको समझ आ रही होगी। व्हेन जानी द स्किनीज कॉक हर्ड द अनफैमिलियर क्रोइंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल, ही स्टिफन्ड द नेक, ही स्टिफन्ड हिज नेक एंड स्ट्रेच्ड हिज चेस्ट, हिज बॉडी बिकेम टेंस, ऑल हिज नर्वस टाउट, कोटक 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 ही क्रोड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस एज इफ कॉलिंग आउट टू द अदर कंपाउंड। तो जैसे ही जानी द सकीनी, जानी का घर साथ में ही था ना, जैसे ही जानी द सकीनी के मुर्गे ने आवाज़ सुनी, नया मुर्गा इस घर में आया है, शामाल के घर में, जैसे ही उसने आवाज़ सुनी तो वो जो है उसने जो है अपनी नेक को जो है स्टिफन कर दिया। आपने देखा होगा जब भी मुर्गे जो है बांग देते हैं या लड़ने के लिए कोई किसी की तरफ आते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिफन टाइट करते हैं अपनी गर्दन को। देसी मुर्गा को अगर देखा होगा आपने, वो क्या करता है अपने मुर्गे को, अपने मतलब टांग को टाइट करता है, अपने परों को टाइट करता है, ठीक है, नेक लंबी कर देता है, स्ट्रेच मतलब फैलाता है नेक को, ठीक है। तो वो उस नेक को फैलाने लगा जानी द स्किनी का मुर्गा, और उसकी तरफ आने लगा, कटक कटक करने लगा और वो क्रोइंग भी करने लगा, वो बोले मतलब बुलाने लगा उस मुर्गे को अपने ही कंपाउंड से, अपने ही आंगन से शामाल के मुर्गे को अब बुलाने लगा। कोटक को कोटक शामाल्स कॉक आल्सो स्टिफन्ड हिज नेक एज इफ इट आंसर, आई एम द फेयर वन, आई विश यू वुड कम हेयर एंड सी फॉर योर सेल्फ, वट डू यू शो मी योर फर्स्ट फ्रॉम द अदर साइड। तो यहाँ पे भी दूसरा मुर्गा, शामाल का मुर्गा भी उसका जवाब देने लगा कोटक कोटक करके, और बोलने लगा मैं फेयर हूँ, मतलब ये राइटर ने लिखा है ये इस तरह बोलने लगा कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, आ जाओ इधर साइड, उधर साइड क्या कर रहा है, इस तरह का बोलने लगा कौन, शामाल का मुर्गा। शामाल डिड नॉट लाइक दिस नॉइस, शी विश द कॉक वुड चॉक एंड बी स्ट्रिकन डम सो दैट जानी द स्किनी वुड नॉट हेयर हिम एंड बी ग्लूड एट द विंडो। जानी द स्किनी जो शामाल थी ना, शामाल नहीं सुनना चाहती थी ये आवाज़, मुर्गी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती, उसको बहुत नफरत हो गई थी अपने मुर्गे के साथ। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो विंडो की तरफ देखने लगी और इंस्टेड ऑफ शूटिंग हिम अवे शी पिक्ड अप अ लंप ऑफ अर्थ एंड थ्रू इट एंग्रीली एट द कॉक एमिंग एट हिज हेड, इट मिस्ड हिम बट ही वॉज स्टार्टेड एंड स्टार्टेड crowing loudly and Jani the skinny leaned out of her window. Why are you angry so early in the morning? What has the poor thing done? he asked. जैसे उसने, शामाल ने क्या किया, उसने मिट्टी का दत्था उठाया ना, जो कश्मीर में दत्था बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मिट्टी उठाया, ठीक है, मिट्टी उठाया, लंप उठाया, उसको लंप इंग्लिश में बोलते हैं, मिट्टी का लंप उठाया और फेंका, किसको फेंका, मुर्गे को फेंका, अपने ही मुर्गे को फेंका।
मगर वो शू नहीं किया, उसने शूटिंग नहीं की, चुप करके फेंका जाए, चुप करके ये भाग जाए, इसको लगे। मगर क्या हुआ, ये उसको लगी नहीं, तब तक वो आवाज करने लगा मुर्गा, तो जान दे सकी नहीं, बाहर निकली और वो झुकी अपने विंडो से, विंडो मतलब अपनी खिड़की से झुकी और बोलने लगी शाहमाल को, आप इतने सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो, इस पोर मुर्गे ने क्या किया आपका, क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना गुस्सा हो, इस पे क्यों मार रहे हो उसको, जानी बोलने लगी शाहमाल। शामाल फेल्ट लाइक अ थीफ कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ऑल हर बॉडी एक्सुडेड स्वेट। तो शामाल ने सोचा कि जो वो उस वक्त काम कर रही थी, उसने जो लंप फेंका किसकी तरफ, मुर्गे की तरफ, ये चोरी कर रही थी, उसने सोचा कि जैसे मतलब मैं चोरी में पकड़ी गई, वो चुप करके फेंक रही थी ना उसको मुर्गे को, कि जाने को पता ना लगे, जाने ने देख लिया, अब वो जो है शर्मिंदा हो गई, जैसे वो चोरी कर रही, चोरी करते हुए पकड़ गई, इस तरह शर्मिंदी हो गई, शर्मिंदा हो गई कौन, शामान। तो उसको स्वेट आ गया, मतलब पसीना आ गया, इतनी शर्मिंदा हो गई। द केयरफुल स्टेप शी हैड टेकन टू अवॉइड दिस इनकाउंटर वर ऑफ नो वेयर, जो केयरफुल स्टेप्स उसने उठाया था कि मैं चुप करके उसको पत्थर मारूंगी वो भाग जाएगा, मगर उससे कुछ नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं मिला, और जानी जो है उसको पता चल गया, उसने आवाज़ सुन ली मुर्गे की और वो बाहर निकल गई, और शामाल को उसने देख लिया गुस्से में। अब जो है मतलब शामाल नहीं चाहती थी कि जानी को पता लगे कि मैं गुस्से में हूँ, मैं मुर्गे से नफरत करती हूँ, मगर अब क्या है, उसको पता चल गया है, किसको, जानी को पता चल गया है कि शामाल गुस्से में है। बाकी जो लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अब तक इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, जहाँ तक जितनी आपको समझ आई, जो आपको समझ नहीं आया कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।